नमस्कार न्यूज रूम लाइव को आपनको स्वागत करूछु मु स्मृति लग्ना। चासिंग को समस्या ने राज्य उठुची पडुची विधानसभा कथा कोन तो अनेक प्रसंग उठिची विरोधी घेरी छंती किंतु मंडी दुख चासिंग कर जाय नाही कारण कंटो पुरी जायची मार्च 31 जहां टारगेट दिया जायतिला जे जो चासी माने रजिस्ट्रेशन करिछंती तांको धान किणा जीवो किंतु एबे भी 2 लक्ष रु ऊर्ध चाषी अच्छा जहाँ धान किणा जा पारि ना मंडी में बस्ता बस्ता धान पड़ रही। नवेम्बर 1 रु प्रक्रिया आरंभ होता एवं वर्तमान एप्रिल मासरे मध्ये से समान अव्यवस्था देखा मिली कौटिना कौटि दलाल शोषण शिकार होती चाषी। चलत तो सीधा सड़क झारसुगुड़ा जावा जाणी झारसुगुड़े आम रिपोर्टर अच्छा सुरेन्द्र। सुरेन्द्र कौन रिपोर्ट आपड़ देखुं चाषी मान भितर कि असंतोष देखा मिली? देखु स्मृति लग्ना चलित बर्ष खरीफ्रे धान किणा बिका अवस्था नहीं अर्गस न्यूज रे सीरीज ऑफ स्टोरी आम करूँ ग्राउंड जीरो रो स्थिति देखेलु एवं झारसुगुड़ा जिले में जेहेतु चलित बर्ष खरीफ धान किणा बिका अवस्था को लेकर चाषी मैंने तेजी थे आंदोलन करते एटी मुझे सूचना देवाक चाहे जे NH 49 जो ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत कनकतुरा अच्छी से 5 दिन धरिक आंदोलन करते प्रशासन लिखित प्रतिश्रुति देवापर ही से आंदोलन उठीते प्रशासन तांको लिखित प्रतिश्रुति देइतला जो माने पंजीकृत चाषी अछन्ते समस्तक टू धान किणा जीव मार्च 31 तारीख सुधा किंतु दुर्भाग्यर कथा हैला झारसुगुड़ा जिले रे चलित बर्ष 2121 चाषी धान किणा जाए ना 2154 टोकन लैप्स है जदि आम समग्र राज्यर चित्र देखा तो पी पास रे चलित बर्ष 1449000 चाषी समग्र राज्य में रेजिस्ट्रेशन करते से भितर भेरिफाय चाषी संख्या होती 1472000 किंतु दुर्भाग्यर कथा है जे मात्र 1192000 चाषी धान किणा जा तो आम कौटना कौटी कहवा जे जो राज्य सरकार टीडीम पिटुले विभाग मंत्री भास्पोर्ट मारुते विधानसभा कहतु कि विधानसभा बाहर कहतु जे प्रत्येक पंजीकृत चाषी धान किणा जीव किंतु खरीफ अवधि सरीगला किंतु 2,80,000 चाषी धान सरकार किणी पाले एने विरोधी सरकार को टारगेट कर सब बड़ कथा टोकन चक्कर रे एवं टारगेट चक्कर रे चाषी माने जे भले भाव रे फसी रहिछंती धान बिक्री करि पारु नाहंती एवं वर्तमान समय रे से माने परिवार कि भले प्रतिपोषण करिवे पैसा कोठो आनिबे अर्थाभाव से मानको चिंता बढ़ाई एवं आगामी दिन में कोरोनार द्वितीय लहर जेहेतु देखा मिली जदि पुणी थरे बजार मंदावस्था देखा मिल धैर्य हरा हेबो स्वाभाविक कौन प्रतिक्रिया रखती सीधा सड़क से माने? निश्चित भाव चाषी भितर तो गोटे असंतोष रोज किंतु एटी मुझे गोटे सूचना देवाक चाहे जे विभागीय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई एप्रिल 1 तारीख तांकर जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अच्छी से गोटे ट्विट करते चलित खरीफ खरीफ्रे राज्य सरकार 18% अधिक धान किणी किंतु सबुत बड़ कथा है जे गत वर्ष मात्र 9,53,000 चाषी धान बिकी थे और चलित बर्ष 11,95,000 चाषी धान बिकी कितु सबुत गुरुत्वपूर्ण कथा है जे ओडिशा रे पाखापाखि 50 लक्ष चाषी अच्छा 50 लक्ष चाषी केवल पिपास 1,472,000 चाषी भेरिफाए कर तो सब बड़ प्रश्न उठू जो 35 लक्ष चाषी ओडिशा अच्छा से धान क्या बिकुं जदि आम जदि एनटीआर आम जो फूड ओडिशा पोर्टाल जो तथ्य अच्छी जदि आम समग्र राज्य कथा कह तो गोटे चाषी एवरेज 53 क्विंटाल धान सरकार को बिकी किंतु कौटे ना कौटी अनेक जिले में मेनिपुलेट होती जार गोटे गोटे छोटिया उदाहरण दे पारि रायगड़ा जिला जो आम चित्र देखा से 12,000 चाषी 12,000 ऊर्ध चाषी धान बिकी पखापाखि 12 लक्ष क्विंटाल धान बिकी तो कौटे ना कौटी से गोटे चाषी 100 क्विंटाल रु अधिक धान बिकी जदि आम संबलपुर कथा कह बरगढ़ कथा कह कलाहांडी कथा कह सोनपुर कह सोनपुर जिलार कथा कह जेहेतु से गोटे इरीगेटेड एरिया जलसेचित एरिया से चाषी गोटे एवरेज 62 क्विंटाल पाखापाखि 62 रु 64 क्विंटाल बिकुं तो किभली रायगड़ा जिले में 100 क्विंटाल रु अधिक धान बिक्री है तार निश्चित भाव सरकार गोटे तदंत कर आवश्यकता रोचे कितु सबुत बड़ कथा है जो केन्द्र सरकार तरफ जो गोटे इनफर्मेसन दि जाइला जो कौन राज्य केमें अधिक धान MSP रे से पाते तो तार गोटे सांघातिक स्थिति है छत्तीसगढ़ देखा कुचिंडा ग्राउंड रिपोर्ट कौन स्थित अच्छी जाना सौम्य अच्छा कुचिंडा कुचिंडा जमनकिरा और बामरा ब्लॉक रे सौम्य विशेष भाव में देखा मिलता चाषी
खूब अधिक प्रभावित होते मंडी में बस्ता बस्ता धान पड़ रही था बर्तमान आप जगह रही स्थित कौन रोच निहाती भाव में देखते स्मृति लग्ना जदि कुचिंडा अंचल कथा कह कुचिंडा अंचल एवं विभिन्न मंडी में 35,000 ऊर्ध बस्ता धान पड़ रही अंपटे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा है जो मंडी बंद हे कही 31 तारीख दिन मार्च 31 तारीख दिन समस्त मंडी जो आरएमसी कर्तृपक्ष मैंने जो धान सुरक्षापाई तारपोलिन कि जो व्यवस्था कर सब व्यवस्था को निजे आनी जाता बेले बर्तमान चाषी चिंतार सम्मुखीन होान गुड़ करेंगे कौन अंपटे आज को तीन दिन हम बामरा स्थित उचकापात मंडी सम्मुखें चाषी मैंने धान बस्ता रखी कहीं धान तीन मस बिक्री होते पैसा पाइपार ना अंपटे जो धान बिक्री हाँ पूर्व प्रथम जो आई स्कानिंग कराई था विभिन्न पद्धति से पद्धति में सामिल होते मंडी धान उठी पारिनी अंपटे जो कथ कह जमनकिरा मंडी मुख्य मंडी में आज को अनेक दिन हम धान पड़ रही पखापाखि 22,000 ऊर्ध बस्ता धान रही आम सहित जो अच्छा वरिष्ठ चाषी कुचिना अंचल बेस परिचित चाषी जड़े ताकू आलोचना करें जानवाक चाहिए अंचल तो धान समस्या रही मुहर जानवाक चाहिए अंचल धान समस्या रही कहीं प्रशासन ध्यान दौन अंपटे जो कथ कह कुचिना उपखंड आज को अनेक दिन हम उपजिलापाल पदवी खाली अच्छी सरकार चाषी गुहारी करेंगे तो कुरे करेंगे कौन अंपटे बारंबार विधानसभा चाषी को जो समस्या उठला बेल बारंबार विधानसभा को अलग आड़ को नहीं जाम सहित जो अच्छे आज्ञा कौन कहे बर्तमान समस्या अनेक चिंतार विषय हूँ चाषी सहित आलोचना करा कर विधानसभा भी चाषी प्रसंग उठी पार नहीं कौन कह मु तो प्रथम कह गोटे गणतांत्रिक सरकार ये भाव में संवेदनहीन होवार उचित नुहे सरकार जदि संवेदनशील नहब ताहले आम नागरिक आम चाषी कौ भाई भाव में आम या 30,000 रु ऊर्ध धान पड़ रही चाषी एपर्तंत धान बिक्री करी पारी नांती अनेक चाषी उचकापाट समस्या जो जोटा आप कहते हैं वर्तमान विशेष भाव चिंताजनक जदि तर तारपोलिन उठे निया धान रखापी बर्तमान 40 डिग्री ऊर्धर तापमात्रा एभली स्थित आपण प्रिंट मीडिया खबर कागज भी मैंने संवाद आसीगला जे से रास्तार ऊपर धान रखिक से मैंने 40 डिग्री ऊर्ध खरारे से रास्ता अवरोध कर सारा कुचिंडा सब डिविजन धान एठिकार गोटे मात्र अर्थकारी फसल धान रु ही घर मान विशेष अर्थ उपार्जन होता है आज एप्रिल है आउ दुई मास गला पुणी खरीफ सीजन आरंभ हो चाषी घर को पैसा पर्यंत पशि पारी तो चाषी कर कौन इभली स्थित जदि चाषी आत्महत्या कैसे किए दे रश्चित भाव सरकार दे रही तो मु तो कह सरकार एसेम्बली विधानसभा प्रतिश्रुति देलापर कहीं प्रतिश्रुति रखुना प्रशासनिक कल पाखु कौन किसी खबर पाऊना सरकार निश्चित भाव पाँच मु तो अपेक्षा कर आग्रह करी जे सरकार संवेदनशील हूँ परिस्थिति चाषी समस्या को उपलब्धि करूँ एवं सरकार जो कर्तव्य सामाजिक राजनैतिक और अर्थनैतिक न्याय प्रदान करवाटा कुचिंडा अंचल चाषी मान जो मान चाष दृष्टि अर्थनैतिक न्याय खूब शीघ्र मान पहुँचे दिंतु आपणकर उचकापाटे टारपोलिन सब भी आराम से उठे नहीं गला देखो तो कि दुर्भाग्यजनक किमती दुखदायक अवस्था निहाती भाव में शुणुते स्मृति नगना चाषी मान चाषी प्रतिका दूसरे जो दुर्भाग्यजनक स्थित बर्तमान कुचिनार अच्छी धान मंडी सरीगला कहीं तारपोलिन नहीं गले चाषी मैंने धान रखे कौन अंपटे जो धान गुड़िक रही बर्तमान खरार धान गुड़ नष्ट होता बेल मूषार प्रादुर्भाव देखा मिली अंपटे बारंबार वर्षा हाँ जो धान गुड़ नष्ट जदि जमनकिरा कथ कह जमनकिरा पाखापाखि दुई मस हम विभिन्न कार्यालय बंद रहा है प्रशासन शुणला ना पंचायत कार्यालय ठार आरंभ कर ब्लक कार्यालय पर्यटन बंद रहा माने धारणा रे बसी रही चंती मु जदी पूरा कुचिंडा कथा कहबी 40,000 रु अधिक बस्ता धान केवल मंडी रे पड़ी रही तो वर्तमान परिस्थिति रे ए आंदोलन बा ए धारणा सेमान कर जारी रहइबो जेते पर्यंत प्रशासन सेमान को कथा सुनिनि अपर पक्ष रे विधानसभा रे जो परिस्थिति वर्तमान लागी रही राति तमाम बीजेपी विधायक माने धारणा रे बसी चंती राज्य रे एभले को परिस्थिति भितरे चासी मानन को दुख किए सुनिबो से सबुठ बड़ प्रश्न हाँ निहाती भाव में देखो स्मृति लग्ना जिते बड़े गोटे विधानसभा जो आलोचना होलोचना पर प्रतिश्रुति दिहा कि प्रतिश्रुति पालनागार होता बेले देखो बर्तमान राति सारा जो चाषी समस्या नहीं कि राति सारा विधायक मैंने जो विधानसभा सम्मुखें गांधी स्टाच्यू तले राति सारा धारणा दिखते कि बाचस्पति आस बुझा सुधा कले कि
ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାରା ଖାଲି କୁଚିନା କଥା ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ମଣ୍ଡିରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଧାନ ଉଠିନି ଏହି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଆଲୋଚନାକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ନେଇ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ଆଲୋଚନା ହବ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛି ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ଭରସା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ ଫେରିବି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ହେଉଛି କଣ୍ଟ କଣ୍ଟ ପୁରୀ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଯାଇନି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଟୋକନ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ଭିତରେ ପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ବିଗତ ଯଦି ଆମେ 20 ବର୍ଷର କଥା କହିବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିବା କଥା ଯେଉଁ ଆମର ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିବା କଥା ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 63 ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ତ ଯେହେତୁ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲିଂ ପାଇଁ ଥାଏ ତ ପାଖାପାଖି 43 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲିଂ ଚାଉଳ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଝାରସୁଡ଼ା କଥା କହିବା ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 9 ଲକ୍ଷ 29 ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲିଂରେ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ହେବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଦାମର ଅଭାବ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ମାତ୍ର 130,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଧାନ ଚାଉଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମର ଅଛି ତ ଏ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗାଣ ନିଗମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ CSOମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଦାମ ଟେନସନ୍ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ତାମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଧାନ କିଣିବା କଥା ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଉଳ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଗୋଦାମ ନାହିଁ ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଦାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିବ ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ସ୍ମୃତି ନଳ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ରଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର